नमस्कार दोस्तों, मैं आपका नाम बताने का क्या फायदा है, नाम के पीछे इन लोगों ने लफड़ा कर रखा है। साथियों एक बात बताओ, दिल पे हाथ रख के इधर लेफ्ट साइड में बताना, अब मैं इंसान हूँ यानी कोई इंसान होता है, मनुष्य होता है, आदमी होता है कोई, वो अपना नाम आदमी तो नहीं रख लेता। गुस्सा आ रहा है पर मैं हंस के दिखा रहा हूँ पब्लिक की डिमांड पे। दोस्तों कोई अपना नाम आदमी तो नहीं रख सकता ना। इसी तरह जो भारत है यानी कि जो भारत ऑलरेडी है, ये लोग इसको भारत करना चाहते हैं। दोस्तों इसका क्या फायदा है और ये क्यों होना चाहिए? अरे नाम अब कोई आदमी है, जैसे मैं आदमी का तो नाम आदमी तो नहीं हो सकता ना। अब हालांकि वो बात अलग है कि आपने मेरे नाम कुछ गिरगिट विरगिट पता नहीं क्या क्या सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो अलग बात है। ये सारा तमाशा ये इसका राघव का और इनका, मैं नाम नहीं लेना चाहता इन अलायंस वाले लोगों का। दोस्तों इन लोगों ने मुझे अलायंस के अंदर फंसाया है कि हम INDIA बना लेंगे, इंडिया बना लेंगे और वो भारत बना लेंगे। ये सारा बीज इन लोगों का बोया हुआ, मुझे पता नहीं अच्छा भला मैं दिल्ली के अंदर वहाँ रोहिंग्याओं को बांग्लादेशियों को बसा बसा के उनके आई कार्ड बना बना के वोटिंग ले रहा था। इन लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया साथियों, पता नहीं कहाँ पर इंडिया में फंसा दिया, भारत में, पुरातन में, सनातन में, पता नहीं इन लोगों ने कहां कहां मुझे फंसा दिया है। अरे मुझे क्या लेना देना, क्या तमाशा लगा रखा है ये। आज अगर मैं मनीष का नाम मनीषा कर दूंगा तो कर्म तो नहीं बदल जाएंगे ना उसके। बहुत दिल पे हाथ रख के हंस रहा हूं दोस्तों, सिर्फ पब्लिक की डिमांड पे बार बार मैं ये साथियों बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि भारत को अब इंडिया अगर बोलते हैं तो उसको इंडिया रहने देना चाहिए, क्योंकि मेरे दिल में इंडिया बसता है साथियों। अगर ये भारत हो जाएगा तो ये लोग सब इकट्ठे हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा क्या फिर? हम लोग तो वही 26-27 लोग पूरे देश में रह जाएंगे, बाकी तो पूरा देश इकट्ठा हो जाएगा भारत के नाम पे। ये तो बहुत गलत हो रहा है दोस्तों, इसकी आवाज़ उठाना जरूरी है दोस्तों, इसको जन जन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा करेंगे साथियों। और मैंने तो अन्ना जी के कहने पर भारत माता की जय के नारे लगाए थे वहाँ, अन्ना जी के कहने पर रामलीला मैदान में। दिल में तो इंडिया बसता है साथियों, दिल में इंडिया बसता है। तो मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, आज ये कुछ भी बोलने का मन नहीं कर रहा, दिमाग खराब कर दिया इन लोगों ने, ऐसा नहले पे दहला मारा है कि मेरा सारा पहला दूसरा सब फेल हो गया दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।